यह गन मशीन गन की कैटेगरी में ही आती है, लेकिन इसका नाम रोटरी मशीन गन है। इसकी पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यह 1 मिनट में 2000 से लेकर 6000 राउंड फायर कर सकती है। इसकी वर्किंग को समझने से पहले इसकी फायरिंग स्पीड एक बार आप देख लीजिए। जो नॉर्मल गन होती है लाइक पिस्टल राइफल्स, उनमें कोई पावर सप्लाई नहीं होती है, लेकिन यह इलेक्ट्रिक सप्लाई पर काम करती है। इसके ट्राइपोड में नीचे की तरफ बैटरी पैक होता है जो 24 वोल्ट की पावर सप्लाई गन के कंट्रोल यूनिट को देता है। गन के कंट्रोल यूनिट से ही इसकी फायरिंग को कंट्रोल किया जाता है। इस यूनिट में इस बटन को प्रेस करने पर 2000 राउंड पर मिनट में फायरिंग होती है और इस बटन से 4000 राउंड फायरिंग होती है। जो आप गन देख रहे हो यह M134 मिनी गन है, जिसकी फायरिंग रेंज 1000 मीटर तक की है। गन के आगे की तरफ जो पाइप जैसे लगे हुए हैं, इन्हीं से कार्ट्रिज बाहर आती है। इनको बैरल बोलते हैं और जब गन फायर करती है तो बैरल बहुत फास्ट स्पीड में रोटेट करते हैं। इनकी स्पीड लगभग 2000 से 6000 RPM के बीच में होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब फायरिंग शुरू होती है तो जो बैरल टॉप पर होती है वही फायर करती है, बाकी रिमेनिंग बैरल से फायरिंग तभी होगी जब वह टॉप पर आएगी। इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। जो नॉर्मल मशीन गन होती है उसमें एक ही बैरल होती है और जब फायरिंग होती है तो बैरल बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, इसलिए उन मशीन गन में फायरिंग ज्यादा फास्ट नहीं होती है। पिछले वीडियो में जिस राइफल की अपन ने बात की थी उसमें एक ही बैरल होने की वजह से वह 500 से 700 राउंड ही 1 मिनट में फायर कर पाती है, लेकिन रोटरी मशीन गन में मल्टीपल बैरल होती है, जिसकी वजह से जब टॉप बैरल में फायरिंग होती है तो बाकी जब तक घूम कर आती है तब तक उनकी कूलिंग हो जाती है। इस बैरल को रोटेट करवाती है एक हाई स्पीड डीसी मोटर जो बहुत पावरफुल होती है। यह मोटर 24 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट करती है। इस मोटर की कॉस्ट लगभग 6 लाख रुपए के आसपास होती है। यह एक गियर मोटर होती है जिसके आगे गियर हेड लगा रहता है और गियर हेड बैरल के रोटर को रोटेट करवाता है। एक्चुअल में जो बैरल का रोटर होता है वही इस गन का मेन पॉइंट होता है, यहीं से कार्ट्रिज को ट्रिगर किया जाता है। कार्ट्रिज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बंदूक की गोली को ही कार्ट्रिज बोलते हैं। कई बार इसको कारतूस बोला जाता है और कुछ लोग इसको बुलेट भी बोलते हैं, लेकिन बुलेट बोलना सही नहीं होगा क्योंकि इस कार्ट्रिज के आगे वाले हिस्से को ही हम बुलेट बोलते हैं जो कहीं पे भी आगे जाकर स्ट्राइक करता है। कार्ट्रिज या कारतूस उसको बोलते हैं जिसके अंदर आगे बुलेट, पीछे का केज और इसके अंदर जो प्रोपेलेंट भरा रहता है, इन सबको मिलाकर हम कारतूस या कार्ट्रिज बोलते हैं। इस मेन रोटर को आप देख सकते हो, इसमें हर बैरल के सामने एक स्लॉट बना रहता है। यहाँ पर जो कार्ट्रिज को ट्रिगर करता है उस डिवाइस का नाम है बोल्ट असेंबली। यह कुछ इस टाइप का होता है। इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है जिसकी वजह से अपना मोमेंट कर सकता है। जब यह कंप्रेस होता है तो इसके अंदर से हैमर निकलता है जो कार्ट्रिज को स्ट्राइक करता है। बोल्ट हर बैरल के ट्रैक में लगे रहते हैं। इस बोल्ट के ऊपर जो नट जैसा दिखाई दे रहा है ये इस कंप्लीट बोल्ट को इस स्लॉट में आगे पीछे लेकर जाता है। इस बोल्ट को आगे पीछे ले जाने के लिए मेन रोटर को हाउसिंग में बंद किया जाता है। हाउसिंग में जो पाथ आप देख रहे हो इसी के अंदर बोल्ट असेंबली का नट सेट रहता है और जब रोटर रोटेट करता है तो नट पाथ के साथ साथ चलेगा, जिसे बोल्ट आगे पीछे अपने बैरल की सीध में कुछ इस तरीके से होता रहेगा। अब देखते हैं आखिर कार्ट्रिज इस रोटर में आती कैसे है। कार्ट्रिज को लाने और फायर के बाद में उसकी केज को बाहर निकालने का काम डी लिंकर का होता है। डी लिंकर देखने में कुछ ऐसा होता है, मेन रोटर के पीछे की तरफ जो गियर लगा है उससे डी लिंकर का गियर टच होता है और डी लिंकर का रोटर रोटेट करता है। मेन रोटर का पीछे वाला गियर असल में गियर नहीं होता है, यह एक क्लच की तरह काम करता है जिसका यूज आपको आगे समझ में आ जाएगा। डी लिंकर कारतूस को मैगजीन ड्रम में से निकालता है। मैगजीन ड्रम के अंदर कारतूस रहते हैं। यहाँ से डी लिंकर कारतूस को निकालकर फायरिंग के लिए तैयार करता है। इसमें आगे की तरफ फीडर स्प्रोकेट लगा रहता है जिसमें आकर कारतूस सेट होते रहते हैं।
कारतूस मैगजीन ड्रम में से कुछ इस तरीके से आते हैं और डी लिंकर के रोटर स्लॉट में आकर सेट होते रहते हैं। कार्ट्रिज के पीछे लगी ड्राइवर रोड कारतूस को आगे की तरफ फोर्स लगाती है और फीडर स्प्रोकेट में फीड करती जाती है। जो ड्राइवर रोड है वह भी बोल्ट असेंबली के जैसे ही डी लिंकर में पाथ होता है उस पाथ के साथ साथ में चलते हैं और अपने स्लॉट में आगे पीछे होते रहते हैं कुछ इस तरीके से। जब फीडर स्प्रोकेट फुल हो जाता है तो नेक्स्ट कार्ट्रिज जो आती है वह उसकी जगह ले लेती है और इस कार्ट्रिज को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। जिससे यह कार्ट्रिज ऊपर मेन रोटर में बोल्ट के सामने जाकर सेट हो जाती है। बोल्ट अपने ट्रैक में आगे की तरफ जाता है कार्ट्रिज को लेकर और जब बोल्ट कंप्रेस होकर थोड़ा सा रोटेट करता है तब इसमें लगा हैमर कारतूस पर स्ट्राइक करता है जिससे फायरिंग होती है। यदि आप सही से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो बोल्ट होता है वह कारतूस की केज को पकड़ के रखता है, तो फायरिंग होते ही बुलेट तो आगे निकल जाती है और केप को एग्जॉस्ट से बाहर निकाल दिया जाता है कुछ इस तरीके से। जैसे ही केज बाहर होगी तो स्लॉट खाली हो जाएगा और यहाँ पर फिर से न्यू कार्ट्रिज आ जाती है और ऐसे ही राउंड चलता रहता है। कई बार फायरिंग को रोकने के लिए डी लिंकर को रोकना पड़ता है कार्ट्रिज सप्लाई रोकने के लिए, इसलिए यहाँ क्लच का यूज होता है जो डी लिंकर को अलग कर देता है। अब आप स्लो मोशन में मैगजीन ड्रम से लेकर फायरिंग होने की कंप्लीट प्रोसेस को एक बार यहाँ पर देखो। इसी गन की तरह एक और गन है जो बहुत ही पावरफुल है जिसका नाम है GAU-8 एवेंजर गन। यह गन भी इसी की तरह काम करती है लेकिन इसकी कार्ट्रिज की साइज आप देख सकते हो नॉर्मल कार्ट्रिज से। इस गन की कार्ट्रिज इतनी पावरफुल है कि टैंक को भी पार कर जाती है। अब आपका भी फर्ज बनता है कि ऐसे वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब बटन को आप भी पार कर जाओ और बहुत सारे ऐसे ही वीडियोज को एंजॉय करो। थैंक यू।